राजगढ़ जिला के नरसिंहगढ़ में से 266 का खाद और वह 320 या 330 में बेचा जा रहा है और मीडिया कर्मी पहुंचे तो दुकान बंद कर भाग निकले हैं। राजगढ़ जिला के नरसिंहगढ़ में से कलेक्टर ने निर्देश देकर शक्ति दिखा दिया और वह लेकिन कृषि विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से वह निर्देश बेसर में से दायरा दुकानदारों व बड़े डीलरों पर कार्रवाई का नहीं होना है और इसीलिए वह मनमाने दाम किसानों से वसूल कर रहे हैं। और ऐसा ही एक मामला वह नरसिंहगढ़ व सूरज खोल बेसरिया नाके पर वह जसवाल ट्रेड्स कृषि सेवा केंद्र पर वह देखने को आया है और मीडिया कर्मी ने वह जब यूरिया सेवेल ले जाते समय किसान से चर्चा किया है तो पूछा है कि कितने की खरीदी है, तो तब किसान ने बताया है कि साहिब वह 320 में से खरीदी है और जबकि वह इसकी वास्तविक कीमत वह सोसाइटी में से और 266 रुपये हैं और वह 50 पैसे हैं और मगर हमारी मजबूरी है कि वह सोसाइटी से खाद नहीं मिल रहा है और इसीलिए वह इधर उधर से वह मुँह मांगे वह दाम देकर खरीदना पड़ रहा है। ये आते कितने की है थैली? आते कितने की? 270 की आ रही। तो मगर मैं का जेल पहुंच जा कै बना। हां 400 दे रहा है, 400 रुपए में दे रहा है, जा भी जाओ 400। तो मतलब आपसे अवैध वसूली कर रहे हैं क्या? बहुत ज्यादा सोसाइटी में आ नहीं रही, खाते आ नहीं रहा, जा रहे तो खाद नहीं मिल रहा और इधर दुकान उन पे जाओ तो 400 रुपए बिना तो कोई दे नहीं रहा। आपकी सोसाइटी कौन सी लगती है? हमारी बुआ से लगती है। वहाँ से लगती है, वहाँ से आप खाद नहीं मिला क्या? नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। बिल्कुल भी नहीं मिला? बिल्कुल एक कट्टी भी नहीं मिली। क्या कारण कि आप गए नहीं के नहीं दिया ही नहीं? गए ना, मही नहीं खाद नहीं आता है, कभी बढ़ जाता है एक कट्टी दो कट्टी जाते भेड़े थी बहुत सारी आए ही नहीं खाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए।